आपका पहला सवाल है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? आपके विकल्प है, ए गाय के, बी भेड़ के, सी बकरी के, डी भैंस के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भेड़ के। आपका दूसरा सवाल है, किस जीव को कोरोना वायरस नहीं होते हैं? आपके ऑप्शन है, ए कुत्ता को, बी बंदर को, सी चूहा को, डी बिल्ली को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चूहा को। सवाल नंबर 3, सबसे बड़ा इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? आपके ऑप्शन है, ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका। सवाल नंबर 4, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? आपके ऑप्शन है, ए बिहार, बी केरल, सी हरियाणा, बी तमिलनाडु। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल। आपका 5वां सवाल है, भारत में पहला सोने का एटीएम मशीन कहाँ खोला गया था? आपके ऑप्शन है, ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में, डी हैदराबाद में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। आपका 6वां सवाल है, कौन सा सांप पक्षियों की तरह घोंसला बना कर रहता है? आपके ऑप्शन है, ए करैत, बी अजगर, सी अनाकोंडा, डी किंग कोबरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किंग कोबरा। आपका 7वां सवाल है, सबसे ज्यादा विटामिन किस फल में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए सेब में, बी केला में, सी अनार में, डी पपीता में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पपीता में। सवाल नंबर 8, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का खून पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए 2 प्रकार का, बी 4 प्रकार का, सी 6 प्रकार का, डी 8 प्रकार का। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 प्रकार का। सवाल नंबर 9, किस देश में प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर जेल की सजा दी जाती है? आपके ऑप्शन है, ए भूटान में, बी इजराइल में, सी इंडोनेशिया में, डी भारत में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इजराइल में। आपका 10वां सवाल है, हवाई जहाज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है, ए भारत में, बी जापान में, सी चीन में, डी अमेरिका में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। सवाल नंबर 11, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? आपके ऑप्शन है, ए मनुष्य का, बी सांप का, सी बिच्छू का, डी केकड़े का। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी केकड़े का। सवाल नंबर 12, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता है? आपके ऑप्शन है, ए सल्फर, बी सोडियम, सी यूरेनियम, डी फास्फोरस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोडियम। आपका 13वां सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है? आपके ऑप्शन है, ए 50%, बी 60%, सी 80%, डी 70%।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 60%। सवाल नंबर 14। ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध से पानी अलग कर सकता है? आपके ऑप्शन है ए मोर, बी हंस, सी कोयल, डी शुतुरमुर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। आपका 15वां सवाल है, रात को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है ए बुध ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी शनि ग्रह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शुक्र। आपका 16वां सवाल है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? आपके ऑप्शन है ए चीन के, बी रूस के, सी भारत के, डी मोनो देश के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोनो देश के। आपका 17वां सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी चीन, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। सवाल नंबर 18। चिंगम बनाने में किस किस जानवर का मांस मिलाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सांप का, बी बकरी का, सी सुअर का, डी चमगादड़ का। आपका सही जवाब होगा सी सुअर का। आपका 19वां सवाल है, कॉफी किस जानवर की पॉटी से बनाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए सुअर, बी बकरी, सी कुत्ता, बी सिवेट बिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिवेट बिल्ली। आपका 20वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पीपल, बी नीम, सी बरगद, डी आम। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सवाल नंबर 1। एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका विकल्प है ए वाटर पोलो, बी रग्बी, सी पोलो, डी बेसबॉल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेसबॉल। आपका 2वां सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपका विकल्प है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान। सवाल नंबर 3। कार्य का मात्रक है? आपका ऑप्शन है ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जूल। आपका अगला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है ए हेरोडोटस, बी एनेक्सिमेंडर, सी इराटोस्थनीय, डी हेकेटियस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हेकेटियस। सवाल नंबर 5। प्रशत वर्ष किसकी इकाई है? आपका ऑप्शन है ए दूरी, बी समय, सी प्रकाश, डी धारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दूरी। आपका
अगला सवाल है, सौर प्रणाली की खोज किसके की थी? आपका विकल्प है ए गैलीलियो, बी जे एल बे बेबर, सी कोपरनिकस, डी केपलर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोपरनिकस। सवाल नंबर 7, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी उच्छला तारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रह। सवाल नंबर 8, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? आपका विकल्प है ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी नारतियों की भागीदारी बनाना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। सवाल नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आपका विकल्प है ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी सभ्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। सवाल नंबर 10, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाना है? आपका ऑप्शन है ए आरबीआई, बी सीटीआई, सी आईसीआईसीआई, डी एसईबीआई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एसईबीआई। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपका विकल्प है ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कांस्य युग। सवाल नंबर 12, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? आपका ऑप्शन है ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृत तत्व, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राकृत तत्व। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने स्वयं की हिंदुस्तान का तोहफा कहा था? आपका विकल्प है ए मालिक मोहम्मद जायसी, बी रख खान, सी अमीर खुसरो, डी अमीर हसन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। सवाल नंबर 14, कौन सा पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? आपका विकल्प है ए तुलसी, बी पीपल, सी नीम, डी ब्रकाली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नीम। आपका अंतिम सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका विकल्प है ए शतरंज, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी कबड्डी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब, आपका पहला प्रश्न है, कौन सा पक्षी कान से देखता है? आपका विकल्प है ए मोर, बी तोता, सी कोयल, डी चमगादड़।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चमगादड़। आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है ए वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए ग्राहम बेल ने, बी मार्टिन कपूर ने, सी एडिशन ने, डी जेम्स बॉन्ड ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्टिन कपूर ने। सवाल नंबर 4, भारत में किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहे हैं? आपका विकल्प है ए गोवा में, बी सिक्किम में, सी उड़ीसा में, डी गुजरात में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम में। आपका पांचवा सवाल है, सूर्य का प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? आपका विकल्प है ए 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 300 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 300,000 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपका छठवां सवाल है, किस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है? आपका ऑप्शन है ए आइसलैंड, बी इंडोनेशिया, सी सिंगापुर, डी कुवैत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आइसलैंड। आपका सातवां सवाल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसको सबसे पहले किसने बताया था? आपका विकल्प है ए न्यूटन ने, बी गैलीलियो ने, सी आर्यभट्ट ने, डी कोपरनिकस ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोपरनिकस ने। अगला पृष्ठ है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपका विकल्प है ए बृहस्पति ग्रह, बी यूरेनस ग्रह, सी पृथ्वी ग्रह, डी शुक्र ग्रह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह। आपका नौवां सवाल है, किसके जन्मदिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मेजर ध्यानचंद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। आपका दसवां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा केक किस देश में बनाया गया? आपका विकल्प है ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी न्यूजीलैंड, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। ग्यारहवां सवाल है, ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था? आपका विकल्प है ए 20 साल, बी 24 साल, सी 30 साल, डी 22 साल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 22 साल।
आपका 12 सवाल है। सांप किस रंग को देखकर पागल हो जाता है? आपका विकल्प है ए हरा, बी लाल, सी पीला, डी नीला। आपका सही जवाब होगा डी नीला। आपका 13 सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? आपका विकल्प है ए मुंबई, बी बिहार, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा सी राजस्थान। आपका 14 सवाल है, बासी रोटी किस बीमारी को ठीक करता है? ए कैंसर, बी सुगर, सी गठिया, डी पथरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुगर। 15वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? ए रोटी, बी दाल, सी खिचड़ी, डी चावल। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, साथ ही आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।